हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने जैसे कहा था पहले आपसे कि 1 से 15 जनवरी 2020 तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिससे आपके बहुत ही अच्छे रिवीजन होंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ स्टैटिक जीके को भी रिवीजन करते चलेंगे, जैसा कि मैं अपने डेली करंट अफेयर्स में करता हूँ। इस करंट अफेयर्स को देखने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा डेली डेली का करंट अफेयर्स, और एक ही साथ एक बैठे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कंप्लीट आपका रिवीजन हो पाए। प्लस इस करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंस को समझते हैं हम। BHU के जितने भी एंट्रेंस कंडक्ट होती है उस पर अगर फोकस करें तो BHU BA BA LLB 5 साल, LLB MA के सारे कोर्सेज, या और भी अदर जितने भी एंट्रेंस होते हैं BA आर्ट्स सोशल, सबको लेके हर साल मैंने अपने इसी चैनल पे सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और उनका सॉल्यूशन भी डाला है, आप जाके देख सकते हैं। 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि 120 क्वेश्चन में अगर आपके डेली 10 मिनट देने से आपके 12 क्वेश्चन 6 से 12 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसका मतलब है 10% मार्क्स में आप ऑलरेडी ऊपर रहेंगे, आपका रैंक सबसे ज़्यादा हाई रहेगा। यहाँ 0.5 से लोग छट जाते हैं और उनकी रैंक गड़बड़ हो जाती है, एडमिशन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए कुछ लोगों के डिमांड पे मैंने ये हाफ मंथली करंट अफेयर्स लाया और 15 दिन पे आपके ऑटोमेटिक सारे करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। दोस्तों ये 31 दिसंबर को पहले इन्होंने अपना पोस्ट धारण किया, तो इनका नाम है जनरल विपिन रावत। अब इसके साथ जुड़े हुए और सारे फैक्ट्स को देखते हैं। ये हमारे 27वें आर्मी चीफ थे, तो इनके बाद जो हमारे आर्मी के जनरल बने उनका नाम क्या है, मनोज मुकुंद नरवाने, और इनका रैंक है 28। कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है इसलिए 28 अभी वाले हैं, बस आप इतना याद रखिए। पहले जो विपिन रावत थे, ये जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं CDS, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल वीडियो है 5-10 मिनट का, आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से इसकी फुल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ कुछ और अच्छी चीज़ें जान लीजिए कि जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसकी लीड करेंगे विपिन रावत साहब। तो और RKS भदौरिया कौन है, ये जो हैं राकेश भदौरिया, ये हमारे अभी के एयर चीफ मार्शल हैं, और करमवीर सिंह ये एडमिरल हैं। तो चलिए सारे डिफेंस फोर्सेज का नाम आपको हेड का याद रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य ने साइबर सेफ वीमेन पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो इस पहल को शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और साइबर वीमेन सुरक्षा से लेके जो भी साइबर वाले मामले होते हैं उनको ये देखेगी। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं हम लोग। दोस्तों बालाघाट रेंज कहाँ है अगर ऐसे आपसे पूछा जाए, तो ये है महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र रेंज कहाँ है, तो ये भी है महाराष्ट्र में। महाबालेश्वर कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। इन सब चीज़ों को आप एकदम से याद रखिए। महाराष्ट्र के बारे में कुछ नेशनल पार्क हैं उनको देख लेते हैं। तड़ोबा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है। बोर नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नगजीरा, ये सब जो हैं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। चंदौली, ये भी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। चलिए इस तरीके से महाराष्ट्र के बारे में हमने काफ़ी कुछ स्टैटिक जीके को रिवीजन कर लिया। महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा इंडिया का पोर्ट है मुंबई, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं या नहाओ सेवा, वो मुंबई ही है। ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, और सबसे बड़ा जो है गहरा पोर्ट इंडिया का कौन है, वो है विशाखापट्टनम। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप देखते चलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है राजस्थान, आप जानते हैं राजस्थान के बारे में कि यहाँ कौन कौन से, सरिस्का, रणथंभौर, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। चलिए कर्नाटक की बात करें, तो इस बार के इनोवेशन इंडेक्स में ये टॉप पे था। यहाँ के गवर्नर का नाम है वजू भाई वाला, और YS येदियुरप्पा की सरकार यहाँ पर है। तो ये सब स्टैटिक जीके जरूर याद रखने चाहिए। गुजरात की अगर बात करें, तो विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं,
और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, रन ऑफ कच्छ है और नल सरोवर है, इन सब तरीके की चीज़ें हैं। और गुजरात से रिलेटेड कई सारे करंट अफेयर्स हम लोग डेली अपने करंट अफेयर्स में रिवीजन करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अभी हाल ही में संन्यास लिया इंडिया के? ऑप्शन ए इरफान पठान, बी विराट कोहली, सी बुमराह और डी कोई नहीं। तो आप जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इरफान पठान ने अभी अपना संन्यास ले लिया है। इनके बारे में कुछ और ख़ास बातें जानते हैं। इन्होंने 2003 से खेलना शुरू किया था तो इस तरीके से, और इन सबों के बारे में करंट अफेयर्स हम जानते हैं। हर्टफुलनेस क्रिकेट स्टेडियम जो है इसकी शुरुआत, इसका जो उद्घाटन है हर्टफुलनेस क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ खुला है सबसे पहले, तो ये करंट अफेयर्स का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने इसका उद्घाटन किया, ये हैदराबाद में है, हर्ट हैदरा, ऐसे ही आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नाम, नया नाम क्या है? तो ऑप्शन ए भारतीय रेलवे बल, ऑप्शन बी रेलवे बल ऑफ इंडिया, सी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, डी कोई नहीं। तो इसका नया नाम होगा, जिसे हम पहले RPF कहते थे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका नाम होगा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो इसे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, IRFS अब इसका नाम हो जाएगा। अगला जो है इसके हेड का नाम हमें ज़रूर जानना चाहिए, जिनके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, तो ये हैं अरुण कुमार। मैंने एक्स्ट्रा रिलेटेड करंट अफेयर्स इसलिए रख दिए हैं ताकि आपके रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप कहाँ का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसको अगर देखें तो ऑप्शन ए मुंबई, बी भुवनेश्वर, सी गुवाहाटी और डी भावनगर। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका राइट आंसर कहाँ होगा? दिल्ली में। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे CRPF ने ही इस बार ऑर्गेनाइज किया था, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, YSR आरोग्य श्री अम्मा वोदी योजना किस राज्य सरकार की है? तो मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स में ये बताया था, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि YSR जिस भी योजना में लग जाए उस योजना का नाम आप समझ सकते हैं वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि यहाँ YSR कांग्रेस की सरकार है, YSR जगनमोहन रेड्डी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, विश्वभूषण हरिचंदानी वहाँ के गवर्नर हैं, तमाम सारी बातें आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब के बारे में, तेलंगाना का जो ज़िला है हैदराबाद, ये पहला इंडिया का ब्लॉकचेन ज़िला है। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के सातवें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए लियो कार्टर, बी युवराज सिंह, सी रवि शास्त्री और डी हर्षल गिब्स। तो ये जो हैं अभी 7th बल्लेबाज बन गए हैं, आप ज़रूर याद रखिएगा, ये लियो कार्टर हैं, और भारत की तरफ से युवराज सिंह और रवि शास्त्री ने ये लगा चुके हैं पहले ही 6 बॉल पर 6 छक्के। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। TN चतुर्वेदी जिनका निधन हो गया वो क्या थे? तो ऑप्शन ए राज्यपाल, बी कैग, सी लेखक और डी कार्टूनिस्ट। तो ये जो थे कर्नाटक स्टेट के राज्यपाल थे, तो पहला ऑप्शन ए राज्यपाल भी सही होगा, लेकिन इसके साथ ये भारत के भूतपूर्व जो फॉर्मर कहे जाते हैं इंग्लिश में, कैग भी थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे। हाल ही में किस दुनिया की सबसे वृद्ध गेंडे की मौत हो गई है? तो ऑप्शन ए ईरान, इराक, तंजानिया और डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा तंजानिया। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था फॉस्टा। क्या नाम था? फॉस्टा। तो आप ये दोनों याद रखेंगे, तंजानिया में सबसे वृद्ध, दुनिया की सबसे वृद्ध गेंडे थी, इसकी मौत हो गई है। वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला हिंदी में कहेंगे इसे, इसकी थीम क्या है इस बार की? तो ये जो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गांधी द राइटर्स राइटर इस बार की थीम है, और इसे आप ज़रूर याद रखें। और इस बार की पार्टनर कंट्री कोई भी नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, 5th राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए लद्दाख, बी श्रीनगर, सी श्रीनगर एंड डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो है लेह, और इसे जीता है किसने? तो लद्दाख ने। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, लेह में हुआ था, लद्दाख ने इसे जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 27वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, बी बेंगलुरु, सी गुवाहाटी और डी नई दिल्ली। तो इसका जो है 27वें संस्करण का आयोजन हुआ
तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क है। बेंगलुरु में इस बार क्या हुआ था, 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था। असम की राजधानी गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है, अभी वो चल रहा है। और नई दिल्ली की आप बात जानते हैं, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 शहर में कुल कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है यहाँ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनको चार्ज करने के लिए। तो ये कितने बनाए जाएंगे, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 2636। इसको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, 6 2 शहर हैं तो इसको उलट दीजिए 2 6 और फिर 3 6 याद कर लीजिए, हो जाएगा काम खत्म। इसलिए इसे याद करना बहुत ही आसान है। और इसका जो योजना है उसका भी नाम देखते हैं, उस योजना की क्या नाम है, FAME II, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म में पूछ दिए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 2020 का पहला इसरो का लॉन्च उपग्रह कौन होगा, जो ये 17 जनवरी को लॉन्च होगा, तो उसका नाम क्या होगा, RESET-2BRI, ये PSLV C-48 के द्वारा लॉन्च किया गया है। GSAT-30 ये होगा 2020 का 17 जनवरी को Ariane 5 रॉकेट लॉन्चर से, और फ्रेंच गुयाना से इसे लॉन्च किया जाएगा। Cartosat-3 की बात करें तो 47C-47 से इसे लॉन्च किया गया है, डेली रिविजन कराता हूँ मैं। संगीत कला निधि अवार्ड 2019 किसे दिया गया, ऑप्शन ए एस सौम्या, निशारा शर्मा, बी सी विश्वनाथ प्रसाद, अकीथम। तो संगीत कला निधि अवार्ड 2019 जो है एस सौम्या को दिया गया है, और विश्वनाथ प्रसाद को अस्थि व भवती के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य का दिया गया है। और अकीतम को भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं अपने डेली करंट अफेयर्स में ये बताता हूँ, या फिर आप इंटरनेट से सर्च करके बताएं इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संगीत कला निधि अवार्ड के साथ नृत्य कला निधि पुरस्कार भी दिया गया है, ये दिया गया है प्रियदर्शनी गोविंद को। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूर देखते चलें आप लोग, नृत्य कला प्रियदर्शनी गोविंद, संगीत कला निधि एस सौम्या, संगीत एस, इस तरीके से ट्रिक रखें। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, WHO ने 2020 को कौन से ईयर घोषित किए हैं। तो ऑप्शन ए नर्सेस एंड विडवाइफ, बी मलेरिया वर्स, सी निमोनिया वर्स। तो इसको घोषित किया है इन्होंने ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम डे एंड जो जनवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको देखेंगे, और उससे आपका रिवीजन भी होगा कौन सा दिवस किस डे को मनाया जाता है। तो आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते होंगे, इनका 200वां बर्थडे है 12 मई को 2020 में, इसलिए इन्हीं को समर्पित ये पूरा ईयर है, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। तो ये भी आप याद रखेंगे, जिसे 12 मई को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, बहुत लोगों को ये पता भी होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में के आयोजन में 10 मीटर में गोल्ड किसने जीता है। तो ऑप्शन ए सौरभ चौधरी, बी मनु भाकर, सी मानव ठक्कर, डी जी साथियान। तो मानव ठक्कर और जी साथियान, ये अंडर 21 कैटेगरी में मानव ठक्कर टॉप पे हैं अभी ITTF रैंकिंग में, और मनु भाकर ये भी शूटर हैं, सौरभ चौधरी भी शूटर हैं। तो ये किसने जीता है, इसका राइट आंसर है, सौरभ चौधरी मेल में, और फीमेल में अगर बात करें तो मनु भाकर ने जीत लिया है। अब दोनों को याद रखें, ए और बी दोनों होगा, 10 मीटर में गोल्ड इन्होंने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ द डिकेड कौन सा वर्ड है, जो 10 सालों का वर्ड होता है वो इस बार चुना गया है, क्योंकि ये दशक ख़त्म हो गया। तो ऑप्शन ए दे, बी क्लाइमेट इमरजेंसी, सी क्राइसिस, और डी कोई नहीं। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा वो होगा दे। इसी के साथ क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 का वर्ड है, वर्ड ऑफ द, ये आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो ऑप्शन ए लखनऊ, बी चेन्नई, सी कानपुर, डी नई दिल्ली। तो ये ऑप्शन ए जो है लखनऊ, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लखनऊ इज़ द राइट आंसर, इससे पहले चेन्नई में हुआ करता था, और कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, और लखनऊ नई दिल्ली में कई सारे आयोजन हो रहे हैं। कानपुर है किस नदी के किनारे, तो अब गंगा नदी के किनारे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने CAA के खिलाफ बिल पास किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, और डी बिहार। तो CAA के खिलाफ केरल राज्य ने बिल पास किया है, और अभी हाल ही में ये सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने प्ली दायर किया है इसके खिलाफ। तो केरल का नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें अगर आगे बात करें
केरल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे है, साथ ही हेल्थ इंडेक्स में टॉप पे है, और उसके साथ अगर बात करें तो स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स में भी टॉप पे है। तीन इंडेक्स में केरला टॉप पे है। कर्नाटक जो है वो इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे है। साथ ही साथ इस बार जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें कर्नाटक सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कर्नाटक में ही बढ़ा है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे केरल। तो ये याद रखेंगे। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी ज़िले में एक जो है स्मॉल लॉन्च व्हीकल सेंटर इसरो का स्थापित होने जा रहा है। साथ ही साथ इसरो का जो तीसरा लॉन्च व्हीकल सेंटर है वो लॉन्चिंग सेंटर कहाँ बनेगा, कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार के पटना में बिहार का पहला महिला डाकघर बनेगा। दूसरी चीज़ अगर दूसरा फैक्ट बात करें तो बिहार जो है बिहार ने 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों को बैन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गगनयान मिशन के लिए एयरफोर्स कितने अधिकारी को चुना है, कितने अधिकारियों का चुनाव हुआ है? तो ऑप्शन ए 4, 3, 5, 6। तो इसमें जो है 4 अधिकारियों की चुनाव हुई है, जो जिसमें से अल्टीमेटली 3 लोगों का सिलेक्शन होगा। दोस्तों एक और चीज़ मैं खास बात बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिक्योरिटी को इंडिया को सुदृढ़ करने के लिए कुछ और चीज़ों को डेवलप किया है। DRDO के 5 और प्रयोगशालाओं को इंडिया में बनाने की मंजूरी दी गई है। कितने? तो 5। इस तरीके के 5 प्रयोगशाला को मंजूरी दी गई है, ये आप याद रखेंगे। कुछ राज्यों में जैसे बेंगलुरु, कुछ जो सिटी हैं बेंगलुरु और मुंबई, इन सब में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये 5 जो है यूथ प्रयोगशाला होंगे, जिसके हेड जो हैं यूथ होंगे। और गगनयान मिशन के लिए 4 एयरफोर्स के अधिकारियों का चुनाव हुआ है। गगनयान मिशन 2022 तक कंप्लीट करना है और इसे जो है भारत की आज़ादी के 75वें साल तक कंप्लीट कर देना है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, और अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो इंडिया विश्व का चौथा देश बन जाएगा जिसने मैंड मिशन स्पेस में भेज दिया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। के सिवान इसके अभी के चीफ हैं, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, और कुलशेखर पट्टिनम जो है इसका तीसरा लॉन्च पैड तमिलनाडु में बन रहा है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन, RBI ने दृष्टिहीन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके सहायता से वो मोबाइल ऐप की सहायता से वो नोट को पहचान लेंगे? तो ऑप्शन ए विसियन, डॉट मनी और सी डी पैसा। तो ये मनी ऐप RBI ने शुरू किया। RBI के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, और जो भी नेशनलाइज बैंक है वो शेड्यूल 2 में आते हैं, और RBI का काम मैंने पीछे ही डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स में, तो इस तरीके से याद रखेंगे। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म क्या है मनी ऐप का? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये फुल फॉर्म हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस का 107वां एडिशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी कन्नूर, डी कोई नहीं। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 107वां एडिशन जो है वो हुआ था बेंगलुरु में, और साथ ही साथ यहाँ वीमेन साइंस कांग्रेस भी हुआ। तो वीमेन साइंस कांग्रेस का 9वां एडिशन था, और इसका जो है थीम क्या था ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट इसका थीम था। मैंने यहाँ लिख दिया है थीम, आप नीचे देख सकते हैं। फिर अगर बात करें बाल विज्ञान कांग्रेस, ये कहाँ हुआ था? मैंने ऊपर ही बताया है, ये तिरुवनंतपुरम में। आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है। भारतीय इतिहास कांग्रेस, ये कुन्नूर केरल में हुआ था। किसान कांग्रेस और महिला विज्ञान कांग्रेस भी बेंगलुरु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छोटे उपग्रह के लिए कौन सा नया उपग्रह केंद्र बनेगा? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, बी थूथुकुड़ी, सी कुलशेखरपट्टनम, डी कोई नहीं। तो ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनेंगे इसके लिए जो जगह चूज किया गया है वो कहाँ? थूथुकुड़ी को चूज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनस्क्रीन पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस देश का नाम है पलाऊ। पलाऊ ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इससे वहाँ के जो कोरल रीफ्स हैं उन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा है और इकोसिस्टम गड़बड़ हो रही है। तो इस तरीके से इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो बताइए, जो अलग ऑप्शन है। ये है ईस्ट कालीमंतन, ये भी हाल ही में डिसाइड हुआ है बोर्नियो आइलैंड पे, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कौन राज्य 3 तलाक पीड़ितों को 6,000 वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, डी केरल प्रदेश। तो केरल, तो ये जो है राज्य है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम और आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री, सॉरी आनंदीबान पटेल यहाँ की गवर्नर। मध्य प्रदेश को आप जानते हैं, कई सारे नेशनल पार्क और ये प्राकृतिक रिसोर्स से बहुत भरा पूरा है। तो अगर यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पंचमढ़ी, दारा, पाना, पेंच, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और यहाँ के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नामदफा और मोइलिंग, नमो अरुणाचल। दोस्तों ये मैंने ट्रिक्स बहुत सारे इस तरीके के नेशनल पार्क को याद करने के ट्रिक्स बनाए हैं, जो कि हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नमो अरुणाचल, ये नामदफा और मोइलिंग का ट्रिक है जो अरुणाचल में है। इस तरीके से और भी जितने भी 105 नेशनल पार्क हैं, सबको मैंने ट्रिक्स की सहायता से बहुत ही ईजी कम टाइम में आपको रिविज़न कराने के लिए बनाया है। तो चलिए, इसके अलावे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ और योजनाएं हैं, जैसे कि दामिनी जो कि हेल्पलाइन है वीमेन सेफ्टी के लिए, और गोरखपुर में गन्ने से इथेनॉल बनाने का पहला भारत का कारखाना डेवलप हुआ है, इसलिए ये भी आप याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? ऑप्शन ए बर्मिंघम, बी बाकू, सी इंडिया, डी इंडोनेशिया। तो ये जो है 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। इंडिया ने अभी हाल ही में इसे इसमें पार्टिसिपेट करने का नहीं करने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर उसे उन्होंने बदल दिया, और क्योंकि इसमें से शूटिंग खेल को निकाल दिया गया है, इसकी वजह से इंडिया में जो है अगला मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारे चीज़ों की मेज़बानी इंडिया करने वाला है, फ्यूचर के क्वेश्चन में हम देखेंगे फ्यूचर में होगा इंडिया के द्वारा। तो 29वां क्वेश्चन है, ई बिक्रे प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो ये जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा ई बिक्रे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ऑक्शन के लिए, जो ऑक्शन होंगे हमारे उन सबों के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं हमारे सामने जो अगला, अमित शाह जो हैं ये हमारे गृह मंत्री हैं, पीयूष गोयल ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनंदन योजना किस सरकार की है? तो ऑप्शन ए असम, झारखंड, उड़ीसा और डी उत्तर प्रदेश। अभिनंदन योजना असम सरकार की है। असम सरकार ने अभी में ही, करंट अफेयर्स की बात है, कि एंटी डिप्रिडेशन स्क्वाड भी लॉन्च किया था जानवर और एनिमल कन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए। तो असम के कुछ और योजनाओं को हम देखते हैं, प्रणाम, असम सरकार ने प्रणाम आयोग भी बनाया था, अरुंधति योजना, अपोनार अपन घर योजना भी असम सरकार की है। तो तमाम ये सारे स्कीम्स जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये VVI है और कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, NMC के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? NMC क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। ये हाल ही में 2019 में बिल पास किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष हो गए सुरेश चंद्र शर्मा। फिक्की की जो पहली हेड बनी है उनका क्या नाम है? उनका नाम है संगीता रेड्डी, ये पहली वीमेन है। चंद्रिमा शाह ये इंडियन साइंस कांग्रेस की हेड बनी है। तो इस तरीके से ये पुराने करंट अफेयर्स रिवीजन हो गए। 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली का मुकरबा चौक का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कारगिल शहीद हैं और इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था उस वॉर में, तो इन्हीं के नाम पे ये रखा जाएगा। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों का नाम बदला गया है, जिसे प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक माह के पहले दिन को नो व्हीकल डे मनाने का फैसला किया है किस राज्य ने? तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसको मनाने का फैसला किया है राजस्थान सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया गोल्स इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसमें टॉप पे कौन सा है? टॉप पे है केरल, और उसके बाद आंध्रा, फिर कर्नाटक। तो नहीं सॉरी, इसमें केरल राज्य जो है टॉप पे है फिलहाल, आप ये याद रखिए, और दो पे है हिमाचल प्रदेश, तीन पे है आंध्र प्रदेश। यहाँ मैंने लिख दिया है 2 HP हिमाचल प्रदेश और 3 आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से ये तीनों आपको टॉप के याद रखने चाहिए, और इसमें जो है
स्कोरिंग ओवरऑल सबकी बड़ी है, वो 60 पहुंच गई है, पहले 57 थी, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। केरल की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? पिनाराई विजयन। और ये किस पार्टी से हैं? CPIM। और केरल ने ही CAA के विरोध में बिल पास किया है, तो आप ये याद रखेंगे, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ITTF Under 20 कैटेगरी में कौन टॉप पे है? ऑप्शन ए मानव ठक्कर, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, बी जी साथियान, सी बुमराह। तो इसमें टॉप पे हैं मानव ठक्कर Under 21 कैटेगरी में। किस राज्य में गोरेला पेंड्रा मरवाही नायक नामक नया जिला बनेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। तो ये जो है किस राज्य में बनेगा? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के इलाके को काटकर एक नया जिला बनाया जाएगा, जिसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। और उसके बाद यहाँ 28 जिले हो जाएंगे। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, गोरेला पेंड्रा मरवाही। चलिए, रिस्क रिकॉन कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, किसने किया? तो ये जो है ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, वीज़ा, पूमा और फ़ोनपे। तो ये जो है मास्टर कार्ड के द्वारा किया जाएगा, ये सिक्योरिटी कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी, और इसका अधिग्रहण मास्टर कार्ड के द्वारा किया जाएगा। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री, वीज़ा जो है ये भी एक पेमेंट गेटवे है, फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आमिर खान है अभी। चलिए, इस तरह के करंट अफेयर्स डेली हम रिवीजन करते चलते हैं। 1 जनवरी 2020 से किस बैंक ने OTP पर पैसे देने की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए SBI, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक। तो ये जो है अभी हाल में SBI के द्वारा ये रूल लाया गया है कि अगर आप SBI ATM से 10,000 रुपये से ज़्यादा निकालेंगे तो आप पे OTP आएगा मोबाइल पे, तभी आप निकाल पाएंगे, पहली चीज़। और इस फैसिलिटी को सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था ICICI, नहीं, ये फैसिलिटी सबसे पहले शुरू किया गया था कैनरा बैंक के द्वारा, ICICI नहीं, मैंने गलत बता दिया, कैनरा बैंक के द्वारा 1 जनवरी 2020 को शुरू SBI ने किया है, और कैनरा बैंक ने सबसे पहले ये फैसिलिटी दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन ए अंजुम पोकड़ा चोपड़ा, बी केसरीकांत। तो इसका राइट आंसर होगा, इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है, इसे आप ज़रूर याद रखें। और अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया गया? फ्लेमिंगो जो है एक बर्ड होती है बहुत ही प्यारी सी, और ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में। तो आपका ये स्टैटिक GK है, पुलिकट झील कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। साथ ही साथ कुछ और फेस्टिवल भी इस महीने मनाए गए हैं, इसको देख लेते हैं। धनु यात्रा जो है ये उड़ीसा का फेस्टिवल है, जिसमें कृष्ण और कंस की लड़ाई की कहानियाँ मनाई जाती हैं, और लाई हरोबा फेस्टिवल जो है ये त्रिपुरा में मनाया गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, उसको देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा एडिशन कहाँ हो रहा है? दोस्तों ये यूथ गेम्स का तीसरा एडिशन हो रहा है गुवाहाटी में, लेकिन अगर पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसका एडिशन जो होगा वो कहाँ होगा? भुवनेश्वर में, यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नए खेल को शामिल किया गया है, जो लॉन बॉल्स और साइकिलिंग, ये ज़रूर याद रखिएगा, 2 नए गेम्स को शामिल किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, शिपिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है महिला इस बार नियुक्त की गई हैं, ऑप्शन ए जो है गिरीशचंद्र चतुर्वेदी, ये नहीं है, सुरेश चंद्र शर्मा, ये NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के हेड हैं, और ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड हैं। TN चतुर्वेदी ये कर्नाटका के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका अभी देहांत हो गया है, आप देख चुके हैं। फिर इसके राइट आंसर होगा DHK जोशी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र, सी केरल और डी अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है कर्नाटक, कर्नाटक के बारे में सारे स्टैटिक GK हम देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश उसके बाद केरल, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन की कमी आई है। चलिए, गुजरात के किस शहर में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला जाएगा? तो ये ऑप्शन ए महिसागर, बी सुरेंद्रनगर, सी भावनगर और डी गांधीनगर। तो ये सुरेंद्रनगर में खुला जाएगा,
महीसागर जिले में पहला डायनासोर संग्रहालय खुलेगा, भावनगर में पहला सीएनजी टर्मिनल खुलेगा इंडिया का, और गांधीनगर जो है बैटरी संचालित सिटी बस सेवा शुरू की है भारत में पहली बार। अहमदाबाद में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो मूर्ति है उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति अहमदाबाद में बनाई गई है। तो ये आप याद रखिएगा, दूसरी कहाँ, तो अहमदाबाद में। किस राज्य के सोहराई और कोहबर कला को GI टैग दिया गया है? तो ये पहली बार इस राज्य के किसी भी उत्पादन या प्रोडक्ट को दिया गया है। तो सोहराई और कोहबर जो है ये पेंटिंग है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। और ये कौन सा स्टेट है? तो ऑप्शन ए झारखंड है। झारखंड के सोहराई और कोहबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। दूसरी तेजस ट्रेन कौन से दो स्थानों के बीच चलेगी? तो ऑप्शन ए मुंबई चेन्नई, बी दिल्ली अहमदाबाद, सी अहमदाबाद से मुंबई, और डी लखनऊ से कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद से मुंबई। अब अगला क्वेश्चन है DAYNULM दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसके उत्पादों के लिए किस कंपनी से समझौता किया गया है? ये शहरी बेरोजगारी हटाने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया गया है। फ्लिपकार्ट आप ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको पता भी होगा, DAYNULM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल मैंने कई एग्जाम्स में देखे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी, और डी 4 जनवरी। तो इसका ब्रेल दिवस जो है लुई ब्रेल के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है, 4 जनवरी को। अमेरिका ने किस देश के जनरल को हाल ही में मार दिया है? तो ऑप्शन ए ईरान, इराक, यूक्रेन और ओमान। तो इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं सबको देख लेते हैं। उसने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी और वो मारे थे इराक में, और इराक के जो पार्लियामेंट है ना, अमेरिकन सैनिक को हटाने के लिए विधेयक पास किया था। साथ ही साथ ईरान के पार्लियामेंट ने अमेरिका के सारे सैनिकों को टेररिस्ट घोषित कर दिया था। और जो प्लेन गिराया गया वो किस देश का था? यूक्रेन का था। यूक्रेन और ईरान और अमेरिका, कनाडा, इन सब देशों के नागरिक उसमें शामिल थे। ओमान जो है, ओमान के अभी हाल ही में सुल्तान की मृत्यु हो गई है, 79 वर्ष के थे, और नए सुल्तान चुन लिए गए हैं, आगे हम देखेंगे। 50वां क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय का नया प्रभाग का नाम क्या है? तो ये नाम है NEST, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ये विदेश मंत्रालय का नया एक डिपार्टमेंट होगा, उसका नाम होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान कितने मीडिया संस्थानों को दिया जाएगा? तो ये हम अपने करंट अफेयर्स में डेली ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा सी, 51 का सी आंसर। 52 क्वेश्चन, जो श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतें के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से AK-203 राइफल खरीदेगा? AK-203, तो ये जो है भारत रूस से खरीदेगा 7.5 लाख AK-203 राइफल। और एक और ख़ास बात इसकी है कि इसी बीच 6.5 लाख जो है 1 लाख डायरेक्ट खरीदे जाएंगे और 6.5 लाख इंडिया में रसिया के सहयोग से बनाए जाएंगे। 54 क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखते हैं, 2019-20 के पहले 6 माह में कौन सा देश भारत में सबसे ज़्यादा FDI का निवेशक था? तो ये जो है ऑप्शन ए सिंगापुर, ये निवेशक था सबसे पहले, सबसे ज़्यादा। 55 क्वेश्चन, पॉली उमरीगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी तैयारी कहाँ है। अगर आपकी तैयारी में गड़बड़ी है तो आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया करें, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से दिया करेंगे, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। 56 क्वेश्चन, किस पोर्ट के 100-150 साल पूरे हो गए हैं? तो ये ऑप्शन ए कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, हल्दिया। तो ये जो है कोलकाता पोर्ट के 150 साल पूरे हो गए हैं और इसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए पेंड्रो सांचेज, बी साना मारिन, पृथ्वीराज सिंह रूपन, कासिम सुलेमानी। तो ये पेंड्रो सांचेज जो है स्पेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। साना मारिन जो है दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री, 34 साल की हैं, जो फिनलैंड की है और फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में 1 पे है। इसी हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 140 है। ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी देख रहे हैं हम आजकल।
तो इनका नाम है ऑप्शन ए साई इंग वेन, ये नए प्रेसिडेंट फिर से अपॉइंट हो गई हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ? 23वां नेशनल जो युवा फेस्टिवल होता है वो कहाँ हुआ? तो वो लखनऊ में हुआ। इसका थीम क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया, ये इसका थीम था। 60 क्वेश्चन है। परीक्षा पर चर्चा का थर्ड एडिशन कहाँ होगा? तो 60वां क्वेश्चन है ये होगा ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। कहाँ होगा परीक्षा पे चर्चा का थर्ड? ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ताल कटोरा कहाँ है? नई दिल्ली। और भुवनेश्वर में आप देख चुके हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। कैजिन नामक एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होता है? तो ऑप्शन ए जापान, बी चीन, अमेरिका, रूस। तो ये जो है जापान और भारत के कोस्ट गार्ड के बीच होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना होनी थी 1978 में। अब भारत की टोटल बाउंड्री लाइन कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। चलिए 62वां क्वेश्चन है, रिटेल इन्फ्लेशन कितनी हो गई है? NSO को रिपोर्ट के हिसाब से ये डाटा पूछा गया। NSO भारत की जो एजेंसी है और सरकारी डाटा है ये, तो ये हो गया 7.3%। साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो फूड इन्फ्लेशन है वो 14.12% है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर, सबरीमला केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने जज की बेंच बनाई है? तो ये 9 जजेज की बेंच बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये स्मृति मंधाना को दिया गया है फीमेल में, और रोहित शर्मा को दिया गया है मेल में, मेल फीमेल। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ बॉक्स रखे हैं उससे आप देख सकते हैं। इस बॉक्स में आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है कपिल देव को दिया गया है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर PV सिंधु, और ऊपर के दो ये ज़रूर याद रखिए बजरंग पुनिया को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में दिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को आपको याद रखना है, इसलिए मैंने फिगर भी इंक्लूड कर दिया है। फिलीपींस का जो ज्वालामुखी अभी रिसेंट में उत्पादित निकला था ये भी एक क्वेश्चन है, उसका नाम क्या था? तो फिलीपींस के ज्वालामुखी का नाम था ताल। 66वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने अंडमान और निकोबार के कितने आइलैंड को टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया है? तो ये 16 आइलैंडों को टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया है। ये अंडमान और निकोबार का फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले वहाँ का सबसे जो ऊपर वाला सबसे ऊंचा चोटी है वो है सैडल पिक जो कि नॉर्थ अंडमान में है, उसके बाद माउंट ट्यूलर, फिर डियावोलो, और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और अभी हाल ही में शहीद द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का स्वराज आइलैंड, और रॉस आइलैंड का सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम बदल दिया गया है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते चलेंगे। RBI के नए डिप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? तो माइकल देवव्रता पत्रा ये नए हमारे डिप्यूटी गवर्नर बन गए हैं। उर्जित पटेल पुराने जो थे वो शक्तिकांता दास अभी RBI के गवर्नर हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। 1949 में इसकी नेशनलाइजेशन हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 17 जनवरी को इसरो की कौन सी सैटेलाइट लॉन्च होगी? तो ये लॉन्च होगी GSAT-30, और रिसैट टू भी आ रही PSLV की C-48 के द्वारा हुई थी। कार्टोसैट जो है वो कार्टोसैट 3, ये PSLV की 47 के द्वारा लॉन्च हुई थी। अब देखते हैं 69वां क्वेश्चन, 5th रायसीना डायलॉग कहाँ हो रहा है? तो ये हर साल नई दिल्ली में होता है, तो इस साल भी नई दिल्ली में होता है। कुछ चीज़ें हर साल एक ही जगह पे होती है, जैसे रायसीना डायलॉग, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इस बार का मीटिंग हो रहा है वो दावोस स्विट्ज़रलैंड में हो रहा है, और हर बार ये दावोस स्विट्ज़रलैंड में ही होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि करंट में ये चल रहा है। चलिए 70वां क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच रेडियो सूचनाओं का आदान प्रदान MOU साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए 71वां क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव, तो ये हैं हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला, ये नए विदेश सचिव हैं। फॉरेन सेक्रेटरी अजय कुमार, और अजय कुमार भल्ला ये गृह सचिव हैं, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक CEA हैं। गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ हुआ? तो ये जो है UAE कहाँ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आबू धाबी इसकी राजधानी है, और दिनार यहाँ की करेंसी, सऊदी अरब की रियाद राजधानी, रियाल यहाँ की करेंसी, ओमान का मस्कट राजधानी और रियाल वहाँ की करेंसी, ईरान की तो आप जानते ही हैं तेहरान और रियाल वहाँ की करेंसी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये ऑप्शन ए 1917 को सर्वश्रेष्ठ
फीचर फिल्म का वर्ड नसीम अल बहर। अब यहाँ से कुछ वन लाइनर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वन लाइनर ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, आपको सीधे इसका आंसर याद कर जाना है। तो ये जो है नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ, तो ये नसीम अल बहर जो है वह ओमान के बीच में हुआ। चलिए 95वें हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीत लिया है, तो ये पी मंगेश चंद्रन। ये मेरे करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इन्होंने ये जीत लिया है। 76 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्राइज 2020 किसने जीत लिया है, तो इनका नाम है आर रामानुजन, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जीत लिया है। 77 भारत का नया मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा चेलकेरे कर्नाटका में, चेल्लाकेरे कर्नाटका। 78 NSE नॉलेज हब कहाँ बनेगा, तो NSE का नॉलेज हब बनेगा नई दिल्ली में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में जोकिन फिनिक्स को मिला है, मेल में जोकिन फिनिक्स को सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला रेनी जेलवेगार को। जोकिन फिनिक्स को मेल में और रेनी जेलवेगार को फीमेल में। भारत ने किस देश को सोलर पार्क के लिए $75 मिलियन का ऋण दिया है, तो ये जो है क्यूबा को दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा साउथ अमेरिकन कंट्री है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और लगभग 49 वर्षों के बाद यहाँ नए PM नियुक्त किए गए, नहीं तो सेम ही PM थे। और 81 नंबर क्वेश्चन है, बुक्सा बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो ये वेस्ट बंगाल में किया गया, जहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व है। अब मैंने इसके ट्रिक्स भी अपने इस चैनल पे डाले हैं कि कैसे आपको याद करना है 105वें नेशनल पार्क, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खुला है, तो इसका होगा भागलपुर बिहार में। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर ये खुला है गुजरात में, आप ये याद रखेंगे, विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर। और गुजरात में ही डायनासोर संग्रहालय महिसार ज़िले में है। तो इस तरीके से किस IIT ने पानी से हाइड्रोजन बनाने की टेक्निक डेवलप की है, तो ये है IIT मंडी। तो याद रखेंगे IIT मंडी ने पानी से हाइड्रोजन बनाने की टेक्निक, और IIT गांधीनगर और IIT रुड़की ने मिलकर गांधी पीढ़िया बनाने का फैसला किया है। इसे पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच, ये क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच, पीछे हम लोग स्पेन और फिनलैंड के देख चुके हैं जोरान मिलनोविच। चलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो इस पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 84, और सबसे टॉप पे कौन है, तो खुद है जापान। अब देखते हैं मिलन नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम में होगा। ये मिलन जो है बहुत सैनिक नौसेना अभ्यास है, बहुत देशीय, बहुत सारे देशों को इसमें बुलाया जाता है, तो ये इस बार विशाखापट्टनम में हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, मिनती मिश्रा का निधन हो गया, ये डांसर थी, तो किस की डांसर थी, ये ओडिसी, जो उड़ीसा का है, उड़ीसी डांस की ये डांसर थी। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 2021 की जनगणना कब से शुरू होगी, तो अप्रैल 2020 से ये शुरू होगी। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन कौन है, केरला कर्नाटक एवं हरियाणा, केरला कर्नाटक एवं हरियाणा। इसको बार बार पहुँच करके याद कर लें, लिख लें, ये ज़्यादा काम आएगा आपको ये सब क्वेश्चन। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ खुला है, तो ये खुला है नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला भी नई दिल्ली में लगा है, और भी कई चीज़ें नई दिल्ली में होती रहती हैं। अकबर पद्मसी जिनका निधन हो गया, वो प्रसिद्ध क्या थे, तो वो प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर पद्मसी। उधर हमने देखा था मिनती मिश्रा, ये ओडिसी की डांसर थी। ओमान के नए सुल्तान जिनका देहांत होने के बाद नए सुल्तान कौन बने हैं, तो इनका नाम है हैथम बिन तारिक अल सईद, ये नए सुल्तान है, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। नया इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस किसे का दर्जा किसे दिया गया है, ये दिया गया गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, नया इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये BHU इसमें है, बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अभी गुजरात यूनिवर्सिटी इसमें दिया गया है। द पल्सेज कॉन्क्लेव मतलब दाल का कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था, ये हुआ था महाराष्ट्र में। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी को मनाया गया। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए जर्मनी से समझौता किस राज्य ने किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी, द पल्सेज कॉन्क्लेव महाराष्ट्र। 98 नंबर क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की नई योजना कौन सी लॉन्च हुई है, तो ये योजना का नाम है यशस्विनी योजना, महिला एवं बाल विकास। INS विक्रांत कब तक बनकर तैयार होगा, तो ये होगा अप्रैल 2021 तक। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर। इसी के साथ ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 से 15 जनवरी तक के थे
मैंने यहाँ कंपाइल करके आपके सामने रख दिया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा, और डेली करंट अफेयर्स वीडियो ज़रूर फॉलो करें ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।